हाय, वेलकम इन माय किचन। आई एम शेफ मनोहर मलकानी और मेरी किचन में मैं और आप मिलकर बनाएंगे कुछ अमेजिंग रेसिपीज। सो ट्यून इन। रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए और उसको किस तरीके से काटना है। तो ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसको मैं रफली चॉप कर रहा हूँ। जितनी भी क्वांटिटी में यूज़ कर रहा हूँ ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा आराम से। इसको इस तरीके से रफली चॉप करना है। अब मैंने लिए एक हरी मिर्च और इसको मैं कर लूँगा फाइन चॉप। इसको बीच में से पहले मैंने स्लिट किया इस तरीके से। और यह है गार्लिक, इसको भी हम कर लेंगे एकदम बढ़िया फाइन चॉप। ये हरा धनिया, ये जितना मन करे आप डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हमें फाइन चॉप कर लेना है। ये सारे कटिंग स्किल्स मैंने अपनी वीडियोस में सिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये मैंने टोटल 250 ग्राम पनीर लिया है जिसमें से आधा मैं करूंगा ग्रेट और आधे पनीर को मैं काटूंगा छोटे छोटे क्यूब्स में। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि पनीर जो है ग्रेटेड वे में जाएगा तो बहुत रिच फ्लेवर देगा, साथ ही साथ अगर हम क्यूब डालेंगे तो उसका हमें बाइट भी मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने। यह है ब्लैक पेपर कॉर्न्स, इसको मैं कूट लूंगा थोड़ा मोटा मोटा। आप इस तरीके से इसको कूट लें, मिक्सी में पीसना है मिक्सी में पीस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोया कीमा है, इसको मैंने हल्के गुनगुने पानी में भिगो लिया था आधे घंटे के लिए, देखिए सॉफ्ट हो जाता है ये। अब ये मैंने लिया पैन और पैन में मैंने डाला है बटर और बटर के साथ साथ थोड़ा सा ऑयल ताकि जले ना। अब इसमें मैंने डाल दिया है गार्लिक, इसी के साथ साथ ग्रीन चिली। अब ध्यान ये रखना है इसमें हमें गार्लिक को ज़्यादा कलर नहीं देना है, इवन इसमें हम अनियन भी डालेंगे उसमें भी हमें कलर नहीं देना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा पकाना है, ट्रांसलूसेंट करना है फ्लेवर के लिए। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया हमारा रफली चॉप अनियन, बस को अच्छे से टॉस कर लिया है बटर में और इसको भी हम ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। ये मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा हिसाब से डालना है क्योंकि आगे इसमें हम एक इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो इसलिए अभी थोड़ा ही सॉल्ट डाला है मैंने। ये देखिए ये है हमारा रेड थाई पेस्ट, इसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला है और फिर मैं डिकॉक्शन बना रहा हूँ, पतला डिकॉक्शन। इसमें भी सॉल्ट होता है तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सॉल्ट थोड़ा कम डालना है। इस तरीके से आप इसको घोल के रख लीजिए साइड में। अगर आपके पास येलो करी पेस्ट हो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने डाला इसमें सोया कीमा, ये हमारा हो गया पहला प्रोटीन। और दूसरे प्रोटीन के तौर पे हम यूज कर रहे हैं इसमें पनीर, तो इसलिए इसका नाम मैंने रखा है प्रोटीन भुर्जी। जैसे ही थोड़ा पक जाएगा इसमें मैं डालूंगा ये थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी। टमाटर प्यूरी की रेसिपी भी मैंने दी हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। टमाटर प्यूरी डाल के हमें थोड़ा सा इसको पका लेना है, प्यूरी ऑलरेडी पकी हुई है। अब मैंने इसमें डाल दिया है हमारा ये थाई करी पेस्ट का जो हमने डिकॉक्शन बनाया था पानी में मिला के, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और एक अलग टच आएगा आपकी रेसिपी में, नॉर्मल पनीर की भुर्जी नहीं लगेगी वो खाने में। तो हमें थोड़ा सा ड्राई कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी खत्म हो जाए और फ्लेवर पूरा इन्फ्यूज हो जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 240 में से 120 ग्राम पनीर को मैं इसमें ग्रेट करके डाल रहा हूँ। मैं इसमें पतला ग्रेट करके डाल रहा हूँ, आप चाहें तो मोटा भी ग्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मन करे आप हाथ से मसल के डालना चाहें वैसे भी डाल सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी से देखिए बहुत अच्छी दिखनी स्टार्ट हो गई है। इसमें मैं खटास के लिए डाल रहा हूँ आधा नींबू, और जो हमने काली मिर्च कूटी थी वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हमारा फाइन चॉप हरा धनिया, फाइनली चॉप ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, और अब देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ये। अब इसमें और कारीगरी करनी बाकी है। ये है थोड़ी सी क्रीम, अगर आपके पास कोकोनट मिल्क हो तो आप वो डालें, थाई पीस के साथ बहुत अच्छा जाता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो उसमें मैंने इसलिए क्रीम डाली, और उसके बाद हमने इसमें डाला क्यूब पनीर, और एक मिक्स देके ये है बिल्कुल रेडी। गर्मा गर्म ब्रेड के साथ खाएं, हर्ब राइस के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे दिल करे वैसे खाएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।